हे गाइस, यू वॉचिंग ट्रोय के स्पीक्स। मैं हूँ आयुष एंड दिस इज़ द वीडियो हाउ टू फ्लैश द फास्ट बूट रोम फॉर पोको एक्स 3 प्रो। बाकी Xiaomi डिवाइसेस में भी यही मेथड अप्लाई होगा। फास्ट बूट रोम फ्लैश करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपने सॉफ्ट ब्रेक हो गया है आपका डिवाइस, हार्ड ब्रेक हो गया है, या फिर आपको अपने डिवाइस की परफॉर्मेंस ठीक करनी है, बैटरी ड्रेन प्रॉपर नहीं है। तो देखिए, मैं वेबसाइट आपको लिंक पे दे दूंगा, इट इज़ फ्रॉम हियर। और उसके बाद आपको अपनी फास्ट बूट रोम डाउनलोड करनी है, और इसके उसको जो कि TGZ फॉर्मेट में होगी। ये थोड़ा सा अलग अजीब फॉर्मेट है, लेकिन आपको ये ओपन विथ में जाकर, करेंटली मैं विनजिप यूज़ कर रहा हूँ, किसी भी अनजिपर टूल्स को यूज़ करते हुए आप इसे अनजिप कर लीजिए। जब तक ये अनजिप हो रही है तब तक मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टेम्पररीली अनजिप कर दिया है इसने, और इसके बाद मैं इसके जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन पूरा हो चुका है, और यहाँ पर मेरी सारी फाइल्स भी आ गई हैं। इसे क्लोज करके मैं मी फ्लैश ओपन करूँगा। मी फ्लैश की दूसरी फाइल मैंने इंस्टॉल कर ली है, सॉरी डाउनलोड कर ली है, और इसे मैं यहाँ पे इसी लोकेशन पर एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इस पर जाकर ये जो Xiaomi फ्लैश .exe फाइल है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। विंडोज़ प्रोटेक्टेड योर PC, इसको भी कैसे रिपेयर करना है ये भी मैं बता दूंगा। दरअसल आपको सर्च पे जाकर वायरस सर्च करना है, इससे थ्रीट प्रोटेक्शन खुल जाएगी और आपको बस इसे बंद करना है। मैंने सेटिंग्स पे जाकर आपको इसे बंद करना है। बंद करने के बाद आपको मी फ्लैश एग्जीक्यूट करना है। इसके बाद आपको मी फ्लैश पे, जब आपको विंडोज़ प्रोटेक्टेड योर PC पे आएगा तो रन एनीवे पे आपको क्लिक कर देना है, मी फ्लैश खुल जाएगा। एंड इस पर आपको पहले फाइल सेलेक्ट करनी है, एंड फॉर माय PC मैं अब यहाँ से मैं फाइल सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, आपको वहाँ उसी फोल्डर पर नेविगेट करना है जिस जहाँ पर आपने रिसेंटली एक्सट्रैक्टेड फास्ट बूट रोम रखी है, एंड फॉर मी इट इज़ इन द डी ड्राइव। सॉरी, इट इज़ इन द डाउनलोड्स फोल्डर। आपको वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जो कि इमेजेस फोल्डर के पेरेंट में है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अपने डिवाइस को टर्न ऑफ करके आपको फास्ट बूट मोड में बूट करना है। और वॉल्यूम डाउन और पावर बटन होल्ड करके फास्ट बूट मोड में बूट कर जाना है जैसे ही डिवाइस ऑफ होता है। और जैसे ही आप डिवाइस को फास्ट बूट मोड में डाल देंगे, ये सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस को डिटेक्ट कर लेगा, आपको रिफ़्रेश करना है। देखिए, यहाँ पे मेरे डिवाइस का सीरियल नंबर आ गया है। अब बस मैं फ्लैश पर क्लिक करूँगा
और अगर कोई एरर नहीं आती है तो ये फाइल फ्लैश हो जानी चाहिए। सीआरसी लिस्ट एरर आ रही है तो इसे कैसे ठीक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको बस अपनी फाइल तक नेविगेट कर जाना है। इसमें आप जैसे बूटलोडर लॉक कर रहे हैं तो फिर मैं flash all_lock जो बैट फाइल है इसको मैं एडिट करूँगा। एंड इसके लिए मैं ओपन विथ, आपको इसे flash all_lock.bat पे राइट क्लिक करना है और शो मोर ऑप्शंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन एडिट का आएगा। आपको इस फाइल को एडिट करके ये जो ऊपर की दो लाइंस हैं इन्हें रिमूव कर देना है, REM टाइप करके, और फिर इसे सेव कर लेना है। इसके बाद आपको मी फ्लैश को दोबारा से एग्जीक्यूट करना है और जहाँ तक इस बार आपका काम हो जाना चाहिए। आपको फाइल एडिट करने के बाद फिर से आपको उस लोकेशन पर जाना है जहाँ पर आपने वो TGZ फाइल एक्सट्रैक्ट करके रखी थी। फॉर मी इट वॉज इन द डाउनलोड्स फोल्डर, दिस PC डाउनलोड्स, देन ओके I will press refresh and sorry, मैं जिस लाइन पर उसको रिमूव कर रहा था जिस लाइन को वो गलत थी। आपको ये फ्लैश स्पार्स सीआरसी लिस्ट एरर DP0 इमेजेस से वाली ये जो लाइन है इसके आगे रिमूव लिखना है और पहली लाइन के आगे रिमूव लिखना है। ओके अब इसके बाद आपको फाइल को सेव कर लेना है। फाइल सेव करने के बाद आप नोटपैड से एग्ज़िट कर जाएंगे। इसके बाद आपको बस करना कुछ नहीं है, फिर से रिफ़्रेश पे टैप करना है और अपनी इमेज सेलेक्ट कर ले, सॉरी अपनी जो फास्ट बूट रोम फाइल है उसको सिलेक्ट करके फ्लैश पे क्लिक करना है।